हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल IIT सर्विसेज में लेकर। दोस्तों, शिमला नेशनल कॉलेज की जो सेकेंड लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। लिस्ट में नाम किसका है या नहीं है, काउंसलिंग एडमिशन कब होगा, ये सब कुछ मैं अपने वीडियो में बताऊँ। बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट शिमला नेशनल कॉलेज की आ जाना है। आप चाहे मोबाइल पे खोलिए, चाहे टैबलेट पे खोलिए, किसी पे भी खोलिए, आप यहाँ से जाकर लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी के साथ कर शिमला नेशनल कॉलेज पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के साथ ही आप देख रहे हैं कि अभी जो ये प्रोसेस में चल रहा है थोड़ा वेबसाइट का, और उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, क्योंकि मैं स्टेप बाई स्टेप आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। यहाँ पर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स पर आ जाइए। जैसे ही आप न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स पर आते हैं, ठीक है, आने के साथ ही आपको यहाँ पर आ जाना है। लिखा हुआ है, देख सकते हैं, नोटिस प्रोविजनल सेलेक्टर, यहाँ पे जो सेलेक्टर कैंडिडेट हुए उनकी नोटिस जो है वो नोटिस यहाँ पे जो है आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इस लिस्ट के अंतर्गत सारा प्रोसीजर सेम है, UG PG LLB। डेट दी गई है 1 अगस्त दी गई है, यानी कल 30, यानी कल जो है, आप उसके बाद डेट भी आप देख लेते हैं, 30/31, ठीक है, यानी 1 तारीख से जो है इसकी जो है शुरू होनी है। अब टाइमिंग के डेट देख लीजिए, स्लॉट देख लीजिए, क्लास देख लीजिए, किस किस क्लास में आपको यहाँ होना है, यहाँ पे कौन कौन से प्रोफेसर हैं, गर्ल्स का कहाँ कौन कर रहे हैं, इससे क्राइटेरिया पिछली बार से, बस ये सारी चीज़ें इसी तरीके से फॉलो होना है। अब इसमें आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई। मेन जो चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप इसको जो ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, मार्कशीट आपको ले जानी है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है एंट्रेंस का, जो आपने एडमिट कार्ड था वो ले लीजिएगा, आधार कार्ड लीजिए, और जो भी मार्कशीट है वो सारी चीज़ें आपको ले जानी है। बॉयज़ और गर्ल्स का ये क्राइटेरिया यहाँ रखा गया, ठीक है। उसके बाद आप जो है क्या नाम है, यहाँ पे इस चीज़ को जो बताया देंगे, फीस जो है, लिस्ट जो है, यहाँ पे डेट जो है कोई और डेट नहीं होगी, फीस कही है, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट, अगर आपको नहीं करो तो फिर कोई आपको डेट नहीं मिलेगी, फीस विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन थ्रू लॉगिन। अब इस पर आप जो फीस लॉगिन करेंगे, जो फीस पेमेंट करेंगे, फीस पेमेंट करने का भी मैंने पुराने वीडियो बनाया है, आप उस पर जाके उसको चेक कर सकते हैं फीस को कैसे पेमेंट करेंगे, क्योंकि फीस को पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आप जो है यहाँ पे जो है क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर आप फीस पेमेंट करें। रही बात यहाँ पे दोस्तों, जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस क्लास का, MSc मैथ, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, BBA, BCA की जितनी भी है, ज्योग्राफी देख सकते हैं इसी के अंदर कितनी कट ऑफ गई हुई है, हर सब्जेक्ट की कट ऑफ आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई हुई है, जनरल की कितनी गई हुई है, ठीक है, फिजिक्स की कितनी गई हुई है, मैथमेटिक्स की कितनी गई हुई है, सोशियोलॉजी रही गई हुई है, ठीक है, यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अब एक बात और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जो लिस्ट निकली है दोस्तों, ये भी बहुत से मतलब जो है, इसमें कुछ अभी छोड़ेंगे तो उसके बाद जो है अगला जो है एक लिस्ट और आएगी, वो फाइनल लिस्ट होगी, एक लिस्ट और भी आएगी, तब वो जाकर आपकी सारी चीज़ें होनी है। तो यहाँ पर आप क्लास बाई क्लास आप इसको देख सकते हैं कि ये BCOM की लिस्ट है, BSc बायो की लिस्ट है, BSc मैथ्स की है, LLB की है, ठीक है, यानी यहाँ तक जो है ये लिस्टें जारी की गई, आप उसके बाद जो है आसानी के साथ उसको चेक कर सकते हैं, होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें से अपने नंबर को चेक कर लीजिए, नंबर को चेक करना, ये लिस्ट भी आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आप जो है इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, वैसे मैंने नंबर दिया हुआ भी है, आप इस पर जाके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो भी जा रहा है हेल्प है वो मिल सके और आसानी के साथ आप इन चीज़ों को करते हुए चले जाए। ओके दोस्तों, तो आपको अगर कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट नंबर को जो है नोट कर ले और मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहे सुरक्षित।